अंडर 7 यूनिट नंबर 16 द पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट ये यूनिट पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्टिव पैसिव क्या है वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पर वॉइस एक्टिव या पैसिव हो सकता है। एक्टिव यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है और यहाँ पर पैसिव वॉइस यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के आता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल है रीटा राइट्स अ लेटर, यानी रीटा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में क्या है, जो यहाँ पर लेटर है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है और लेटर इज रिटर्न बाय रीटा। और रीटा जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है और रिटर्न यानी जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर लगता है। तो ये चेंजेस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव में से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। एड बाय, वहां पर बाय एड किया जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। तो एड बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। एड हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस। जो टेंस में जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर है वर्ब को यूज, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से यूज होंगे, तो आई होता है तो वहां पर मी, यू का यू होगा, सी का हर, दी का देम, वी होता है तो उसका अस हो जाता है पैसिव में, ही का हिम, इट का इट रहेगा, हू का हुम। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं वहां पर सेंटेंस में। यहाँ पर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, वन नंबर पुलिस अरेस्टेड हिम, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा, ही वॉज, ये जो हिम है उसका क्या हो गया, ही, जो मैंने अभी यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो मैं समझा रही हूँ आपको। तो ही का ही है तो यहाँ पर उसका ही हो गया, वॉज अरेस्टेड, तो ये अरेस्टेड है वो यहाँ पर उसके यहाँ पर जो है ईडी वाला फॉर्म है, पास्ट टेंस वाला है, तो यहाँ पर हमें वॉज लेना है वर्ब और अरेस्टेड का अरेस्टेड रहेगा और बाय ऑब्जेक्ट के आगे लगाना है और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस तरह बनेगा। दूसरा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, आई प्ले फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पर जो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, फुटबॉल इज, यहाँ पर जो प्ले है उसके अकॉर्डिंग इज आएगा और उसका वी टू वाला प्ले का प्ले हो जाएगा और बाय जो हमें ऐड करना है ऑब्जेक्ट के आगे और आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस तरह हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और इस टाइप का जो मैंने यहाँ बताया है वो यूज करते हैं। अभी डिफरेंट टेंसेस, तो डिफरेंट टेंसेस में क्या क्या यूजेस करना है, चेंजेस कैसे करना है वो इंडिफिनाइट टेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होता है तो वहां पर सब्जेक्ट पहले आता है फिर वी वन जो वर्ब होता है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब में क्या यूज करना है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ मैंने वी थ्री लिखा है तो वर्ब जो होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, फिर बाय और फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट रहेगा फिर वी टू मानी पास्ट टेंस वाला फॉर्म जो वर्ब है उसका और ऑब्जेक्ट रहेगा और उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा फिर पास्ट टेंस है तो हमें वॉज या वेर सिंगुलर प्लूरल की तरह वॉज और वेर यूज करना है, फिर वी थ्री यानी जो वर्ब है उसका पास्ट
ऑब्जेक्ट और उसको पैसिव में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, जो लास्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे लाना है सब्जेक्ट के रूप में, फिर वहां पर शैल लगाना है, फिर वी ऐड करना है और वी थ्री यानी जो वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यानी कि वी थ्री, और उसके बाद बाय ऐड करना है और जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह आपको फॉलो करना है और इसके आधार पर अकॉर्डिंग आप ये एक्टिव का पैसिव चेंज कर सकते हो। अभी आगे देखेंगे, तो अभी हम देखते हैं उसका एग्जांपल दूसरा, अ सर्पेंट वॉज किल्ड बाय द बॉय। सेकंड नंबर का है थ्री मैन आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। थर्ड नंबर है द फूड विल बी ईटन बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के तीन एग्जांपल दिए हैं। तो ऑल दिस सेंटेंस द ऑक्सिलरी बी इज कंबाइंड विद द पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आता है बी जो वॉज आर और विल के बाद, ऑफ डिफरेंट वर्ब्स टू गिव अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन और द पैसिव वॉइस। हमें हमने जो समझाया कि प्रेजेंट टेंस में क्या चेंजेस होता है पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, मैंने अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग हमें ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, द बॉय किल्ड अ सर्पेंट। तो यहाँ पर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा सब्जेक्ट के दो रूप में। तो अ सर्पेंट वॉज, यहाँ पर जो किलड़ है वो पास्ट टेंस में है तो हमें क्या रखना है वॉज, और किलड़ का पास्ट पार्टिसिपल यानी वी थ्री आएगा। तो यहाँ पर किलड़ बाय ऐड करना है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा बाय द बॉय। तो इस तरह चेंजेस होगा जो हमने पहले आगे समझाया था उसके अकॉर्डिंग। अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज टर्न द सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। तो एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वन नंबर का सेंटेंस दिया है टैगोर ब्रॉट अवर नेशनल एंथम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो अवर नेशनल एंथम painted by